औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहु। मेरे YouTube चैनल ऐसे भी खाना खजाना में आप सबका स्वागत है। चलो आज हम एक बढ़िया रेसिपी बनाते हैं। आज क्या बनाएंगे हम? आज शादी वाली जो स्टार्टर होता है उसे हम चिकन सीख कबाब बनाएंगे। चलो देर ना करते हुए शुरू करते हैं आज का चिकन सीख कबाब। कैसे बनाते हैं चलो आपके साथ शेयर करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 1 किलो चिकन लिए हैं, कीमा चिकन लिए हैं। इसमें हम एक बड़ी प्याज बारीक चॉप किया गया डाल लेंगे। इसमें डालेंगे चाट मसाला 1 टीस्पून, भुना हुआ जीरा पाउडर 1 टीस्पून, कसूरी मेथी 1 टीस्पून, चिकन मसाला डालेंगे हम 1 टीस्पून, गरम मसाला 1/2 टीस्पून, धनिया पाउडर 1 टीस्पून डालेंगे और काली मिर्च पाउडर 1 टीस्पून डालेंगे, चिली फ्लेक्स डालेंगे। आप अपना हिसाब से डाल सकते हैं, ज़्यादा तीखा खाते हैं तो ज़्यादा डाल सकते हैं। हम 1/2 टीस्पून डाले हैं। इसमें हम 1 टेबल स्पून जिंजर गार्लिक पेस्ट मिलाएंगे। तो खाने का चम्मच होता है उसमें हम 1 टेबल स्पून वो चम्मच में 1 चम्मच डालेंगे और थोड़ा सा हरी मिर्च धनिया का पत्ता डालेंगे और थोड़ा सा पुदीना डालेंगे। और थोड़ा सा नींबू डाल देंगे, 1/2 नींबू डाल देंगे। एक चम्मच हम देसी घी ऐड कर लेंगे। आपके पास बटर हो तो बटर डाल सकते हैं। टेस्ट अकॉर्डिंग हम नमक डालेंगे स्वाद अनुसार। कीमा में थोड़ा सा कम डालें, ज़्यादा तीखा हो जाता है। हम इसको अच्छी तरीके से मिला लेंगे सारी चीज़ों। हम कोई भी कॉर्नफ्लोर मैदा कुछ भी नहीं डालेंगे बाइंडिंग के लिए, अपने आप बाइंडिंग हो जाता है। इसका थोड़ा सा टेस्ट ख़राब हो जाता है बाइंडिंग करने से। ऐसे ही इसको हम बनाएंगे। इसको तंदूरी का फ्लेवर लाने के लिए हम एक कटोरी में 1 कोयला डालेंगे, 1/2 घी डाल लेंगे, इसे कवर कर लेंगे 10 मिनट के लिए। उसके अंदर धुआं सारा चला जाए तो हम इसको निकाल लेंगे। सारा धुआं चला गया है, अब इसे हम निकाल लेंगे। इस तरीके से चॉपस्टिक लिए हैं, इसमें हम इस तरीके से सारे सीख कबाब को इस तरीके से हम बना लेंगे। इस तरीके से हम बना लेंगे, फ्राई कर लेंगे। आप चाहे तो इसमें चीज़ डाल सकते हैं,
चीज़ डालने से बाइंडिंग के लिए इसमें कॉर्नफ्लोर मैदा डाल सकते हैं, 2 टेबलस्पून जितना ही डाल सकते हैं। सारा कबाब बना लिए हैं, इसको हम फ्राई कर लेंगे। हम एक एक करके डाल लेंगे, सेलो फ्राई करेंगे इसको। जितना ही इसमें पकड़े उतना ही इसमें डालेंगे। इसे हम थोड़ी देर रुकते हैं, उसके बाद फैलाएंगे, उसे पलटेंगे। हम पलट लेंगे इस तरीके से। हम पलट कर इसे हम थोड़ी देर कवर करके पकाएंगे। देखते हैं, हम चेक करते हुए इसे 10 से 15 मिनट हो चुका है। लो फ्लेम में हम बनाते हैं, लो फ्लेम कर लिए हैं इसे। और थोड़ा सा हम अभी इसे हाई फ्लेम करके फ्राई कर लेंगे। ये हो गया है हमारा तैयार सीख कबाब। बिल्कुल भी शादी जैसा स्टार्टर खाते हैं उस तरीक़ा से हम आज बनाए हैं सीख कबाब। देखो कितना सुंदर हो गया है। ये हो गया है तैयार, अब हम इसे सर्व करेंगे। कितना मज़ेदार बना है हमारा सीख कबाब। मैं इसे गार्निश कर लेंगे। उसे तोड़ के दिखाते हैं कितना सॉफ्ट हुआ है, कितना मज़ेदार है। वाओ, टेस्टी यम्मी। आपको मेरी वीडियो तो अच्छी लगती है तो लाइक एक ज़रूर करना, शेयर करना, मेरी वीडियो को फुल वॉच करना और शेयर करना, ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करना और बेल आइकन ज़रूर दबाना ताकि जो वीडियो मैं अपलोड करूं आपके पास तुरंत पहुंच जाए। आप चाहे तो देख सकते हैं। जो सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए।